M.R. चौगुले कोल्हापुर जिले के कागल नामक तहसील गांव में नवोदय विद्यालय रोड के पास के कस्बे में रहने वाले एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर तथा आजीवन किसान, पिछले 17 सालों में वे सुभाष पालेकर जी के जीरो बजट प्राकृतिक खेती के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुदरत पर प्यार करने वाले M.R. चौगुले वर्ष 1999 2000 में नौकरी से रिटायर्ड हुए। रिटायरमेंट के तुरंत बाद उन्होंने पालेकर जी के तंत्र तथा विचारों को अपने 10 एकड़ खेती में अपनाया। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के हत्थे चढ़ी अपनी खेती को फिर से उपजाऊ बनाने के हेतु में वे काम करने लगे। पिछले 17 साल में उन्होंने अपने खेत में रासायनिक खाद तथा कीटनाशक का उपयोग 100% तक बंद किया है। इसे जीवामृत, घन जीवामृत तथा दशपर्णीय अर्क का विकल्प अपनाया। प्राकृतिक मल्चिंग तथा मिश्र फलों के मदद से उन्होंने अपनी जमीन उपजाऊ बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। गन्ना ही उनकी मुख्य फसल है। अभी उनके पास एक बीज की बुआई से लगी गन्ने की फसल खड़ी है, जिसके दो लाइंस में 8 फीट का अंतर है। दिसंबर 2016 में उनके गन्ने की कटाई हुई, तब प्रति एकड़ 75 से 80 टन गन्ने का उत्पादन हाथ आया है। 17 वर्षापासून नैसर्गिक शेती या शेतीमध्ये आम्ही करतो। पिछले 17 सालों से हम प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। जमीन में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ाना और जमीन की उपजावकता बढ़ाने पर प्राकृतिक खेती निर्भर करती है। जमीन की उपजावकता बढ़ाने वाले विज्ञान का हमने खेत में भरपूर इस्तेमाल किया है। इस कारण हमारे खेत की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ बन गई है। जमीन उपजाऊ बनाने के हेतु मुख्य फसल को छोड़ मिश्र फसलों के सभी अवशेष हम खेत में ही गाड़ देते हैं। उसे बिल्कुल भी जलाते या पेस्टिसाइड छिड़कते नहीं है। रासायनिक खाद के जगह जीवामृत तथा घन जीवामृत का इस्तेमाल करने से खेती के खर्चे में भारी कमी आई है। साथ में खेती के उत्पादन तथा आमदनी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़त हो रही है। पिछले लगातार 4 से 5 दशकों से रासायनिक निविष्ठाओं का इस्तेमाल की हुई उनकी खेती अब ज्यादा उपजाऊ होने लगी है। पालेकर तंत्र को अपनाने के बाद लगभग 3 से 4 सालों में, मतलब साल 2004 में ही चौगुले जी का गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ 40 टन से बढ़कर 80 टन तक हो गया था। हाँ, एक डोला उस एक डोला लावलेला है। यह एक बीज की बुआई की हुई गन्ने की फसल है। एक बीज से हमें अपने खेत में लगभग 15 से 16 गन्ने प्राप्त हुए हैं। एक गन्ना लगभग 2 किलो वजन का है। हमारे गन्ने के दो लाइंस में 8 फीट का अंतर है और दो पौधों में 1.5 फीट का अंतर है। हमने बुआई करते वक्त प्रति एक चौरस फीट पर एक गन्ने का हिसाब रखा है। उसके हिसाब से प्रति एक पौधे से हमें 12 गन्ने भी मिलते हैं, तो हम प्रति एकड़ 40,000 गन्ने की संख्या पाते हैं और औसतन प्रति एकड़ में 80 टन गन्ने का उत्पादन लेते हैं। अभी आपने देखा कि एक आंख वाली बुआई किए पौधे ने मुझे 16 गन्ने दिए हैं। इस उदाहरण से 8 फीट की बुआई वाले अंतर में गन्ने का उत्पादन मिलता ही नहीं, यह किसानों की धारणा को हमने गलत साबित किया है। 8 फीट के अंतर से हमारे खेत में गन्ने के सभी पौधों तथा उनके पत्तों को अच्छा सूर्य प्रकाश मिलता है। परिणामकता उसके फोटोसिंथेसिस की क्रिया गतिमान होकर गन्ने का उत्पादन बढ़ने में मदद मिलती है। इस गन्ने की बुवाई हमने सितंबर 2015 में की थी। आणि फोटोसिंथेसिस या क्रियेने त्याच्यात अन्नाची निर्मिती वाढते। खुद के 10 एकड़ खेती में पालेकर तंत्र के प्रयोग सफल होने के बाद चौगुले जी ने स्वस्थ बैठना पसंद नहीं किया। उन्होंने कोल्हापुर जिले के अधिकांश चीनी मिल मालिक, राजनेता और आम किसानों को पालेकर जी के आंदोलन में लाने का काम किया। कोल्हापुर शहर में जहर मुक्त अनाज, सब्जी तथा फलों की बिक्री के लिए
उन्होंने भारी प्रयास किया। जिला सहकारी बैंक तथा सहकारी चीनी मिल के माध्यम से उन्होंने पालेकर जी के लगभग 7 से 8 शिविर अभ्यासों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कागल नैसर्गिक खेती विज्ञान मंच के माध्यम से आम किसानों में पालेकर जी के विचारों का काम भी जारी रखा। रासायनिक शेती करतो जर्सी गाय आमच्याकडे होत्या। पालेकर जी के तंत्र से खेती शुरू करने से पहले हमारे पास हाइब्रिड नस्ल की गाय थी, लेकिन 16 साल पहले जैसे ही प्राकृतिक खेती करना शुरू किया तब से हमारे पास सिर्फ देसी नस्ल की गाय है। दिन भर में एक देसी गाय से लगभग 10 किलो गोबर तथा 5 से 7 लीटर गोमूत्र मिलता है, जिससे प्राकृतिक खेती करने में बड़ी आसानी होती है। एम आर चौगुले की खेती का व्यवस्थापन उनके बड़े बेटे महेश चौगुले करते हैं। पिछले 17 सालों में उन्होंने 10 एकड़ खेती के रासायनिक खाद तथा कीटनाशक के खर्चे में 17 लाख रुपयों की भारी बचत हासिल की है। कोल्हापुर जिले में गन्ने की प्रति एकड़ उत्पादकता औसतन 25 से 30 टन है, लेकिन चौगुले जी ने अपनी उत्पादकता औसतन 70 टन यानी दुगनी से ज्यादा रखने में भारी सफलता हासिल की है। साथ ही गन्ने में चीनी का परसेंटेज भी लगभग 13.5% तक पाया है। अभी उनके भाइयों के बीच खेती का बंटवारा होने से चौगुले जी के पास 4 एकड़ खेती का व्यवस्थापन होता है। इस खेती पर मजदूरी, पानी तथा अन्य खर्चा 50,000 रुपया आता है। यह खर्च सब्जी तथा अनाज के मिश्र फलों से वसूल होता है। साथ ही मिश्र फलों से प्रति एकड़ 15 से 20 हजार रुपयों के हिसाब से 50,000 रुपयों की ज्यादा आमदनी भी होने लगी है। आज 3 एकड़ गन्ना तथा 1 एकड़ अनाज के फसलों से उन्हें सालाना 4 लाख रुपयों की शुद्ध आमदनी होती है। घर के प्राकृतिक खेत में पैदा की हुई सब्जियां और बाजार से खरीद लाई सब्जियों के टेस्ट में भारी बदलाव महसूस होता है। बड़ों के साथ बच्चों को भी यह स्वाद का फर्क तुरंत महसूस होता है। चौगुले जी की आने वाली पीढ़ी जहर मुक्त खाद्यान्नों को बढ़ावा देती है। छोटे बच्चे गुड़ तथा गन्ने का सिरप और जहर मुक्त फल सब्जी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। स्कूल तथा सफर में भी उनके बच्चे फास्ट फूड का नाम तक नहीं लेते। अपने दादाजी की तरह उन्हें भी जहर मुक्त अनाज और तनाव मुक्त जीवन शैली की आदत लगी है। आने वाली पीढ़ियों के अच्छे भविष्य के लिए हर किसान ने पालेकर जी के तंत्र को अपनाना जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बताया है। उनके जैसे सच्चे और मास्टर किसान की आज के गाँव देहात में सबसे ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट ZBNF SPTV।